श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। शुभता के प्रतीक श्री गणेश सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, जल्दी से सब विघ्न हर के इस जहां में खुशहाली लाए। जय श्री। नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उसे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। आज हम लुधियाना शहर की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है, जो खुद एक नारी के रूप में, सशक्त नारी के रूप में इस कोरोना पीरियड में उभर कर आई है, और जिनका नाम है एकता नंदा, जिन्होंने आज नारी द क्लोथिंग पैलेट का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन में उनकी जो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है, मिस्टर एंड मिसेस नंदा, और समस्त उनका परिवार और कुछ सदस्य उनके सखी संबंधी थे, वो भी आए। और चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं नारी द क्लोथिंग पैलेट की ऑनर एकता नंदा से। नमस्कार एंड वेलकम टू नारी द क्लोथिंग पैलेट। और एकता जी, आपसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जो आपने ये आज सोचा कि इस कोरोना पीरियड में आपके मन में ये नारी द क्लोथिंग पैलेट खोलने का विचार कैसे आया? कहते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। लोगों को लगा कि जो ये कोविड का टाइम है ना, ये वेस्ट है, ये साल वेस्ट है। और मुझे लगा कि मैं इस साल में एक वेंचर खोल के उसको साल भर में सेटअप बहुत अच्छी से कर सकती हूँ। तो मैंने अपना एक सिंगल मोमेंट वेस्ट नहीं होने दिया, ताकि जब 2021 आए तो बहुत खुशियों भरा आए और तब तक नारी वहाँ पहुँच चुका हो। क्या बात है। और ऐसे कोरोना पीरियड में कुछ भी अपना नया करना, उसके बारे में सोचना, जहाँ लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है, हम उस काम को बंद कर दें, और आपने घर पर रहकर ही ऐसा निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय है एकता जी। और नारी नाम रखने की आपके अंदर ये सोच कैसे आई? एक्चुअली एक इंडियन होने के नाते मेरा टेस्ट काफी इंडियन में है, इंडो वेस्टर्न में है, बहुत ज्यादा वेस्टर्न में नहीं जाती। बट नारी द क्लोथिंग पैलेट, जब हम भारतीय हैं तो मेरे मन में आया कि उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, भारतीय होने का मान होना चाहिए, भारतीय नारी होने का मान होना चाहिए, तो मैंने ये नाम ऑप्ट किया। और आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? मेरे मेरे जो प्रेरणा, जो भी आप कह रहे हो प्रेरणा स्रोत, आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इंस्पिरेशन देने वाले मेरे को मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि इतने हार्ड टाइम में ये वाली थिंकिंग और ये आउटलेट खोलना, जो सारी इंस्पिरेशन थी, जो इन्होंने मेरे दिमाग में कीड़ा डाला, वो सब इन्होंने डाला कि एक टैलेंट तो अंदर था और कुछ कर दिखाने की। तो घर के कोई ऐसे सदस्य हो जिन्होंने आपको बहुत हौसला दिया हो? पूरी फैमिली है जी, मेरी मदर इन लॉ का 90s से लेके बुटीक था, 90s से उनका बुटीक चल रहा है, चल रहा है। और वो किस नाम से चल रहा था? वो नंदा क्रिएशन, नंदा क्रिएशन के। ओके। और फॉर द टाइमिंग उसको बहुत राइज भी किया, और उसके बाद स्लो डाउन भी हुआ, क्योंकि टेस्ट चेंज होता है और जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई, तो अब उसको एक नया लुक, कुछ नए सोर्स, कुछ नए विचार। यानी जो ये पौधा लगा, ये हमारे बुजुर्गों ने लगाया और आपने उसको एक ग्रोथ दी है, और जो आज नारी द प्लेट ऑफ क्लोथ आपके समक्ष सारे लुधियाना में लेकर आई हैं एकता नंदा जी। एकता, और बताइए आपके इस नारी में क्या क्या कलेक्शंस हैं जो आपके बुटीक में? मेरी इस जो पैलेट में आपको हर तरह का स्टफ मिलेगा, सिल्क मिलेगी, कॉटन मिलेगी, मसलिन मिलेगा, नेट मिलेगी, हेवी नेट मिलेगी, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल,
कैजुअल्स, कुर्तीज, सलवार दुपट्टा, शर्ट दुपट्टा, प्रिंटेड टिश्यूज और जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आपको यहाँ मिलेगा। और जैसे अभी लॉकडाउन में मैरिज पीरियड तो चल ही रहा है, देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं चल रही है, ये है कि हर काम थोड़ा स्लो हुआ है लेकिन सब कुछ चल रहा है। तो आपने जो कुछ ऐसे डिजाइन भी लेके आई हैं कि जो ब्राइडल के लिए हो या उसकी फैमिली के लिए, कोई ऐसे पैकेजेस भी लेके आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्राइडल्स के लिए जब उनकी फैमिली के लिए वहां तक भी हम जाएंगे। फैमिलीज के लिए तो बहुत कुछ है बट ब्राइडल्स के लिए अभी थोड़ा सा वेट है क्योंकि कोविड का टाइम है और अभी लॉन्च है, बट उनकी फैमिलीज के लिए बहुत कुछ है। मेरी रेंज स्टार्ट होती है 1299 से लेके और सो सकते हैं जहाँ तक आप सो सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर इस कोरोना के टाइम में हम लेडीज घर बैठी हैं तो ये नहीं है कि हम कुछ बाय नहीं कर सकते हैं, हम अपने नाइट वेयर से निकलकर अपने आप को एक स्मार्ट रूप दें, क्योंकि ये पीरियड अभी वैक्सीनेशन नहीं आई लेकिन हमने अपने माइंड को ऑलवेज फ्रेश रखना है। और आप सब देख रहे हैं हम लोग भी बहुत अच्छे ढंग से रेडी हुए हैं इस कोरोना पीरियड में और अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी सभी लुधियाना वासियों और पंजाब की और यहाँ तक कि पूरे इंडिया की भारतीय महिलाओं को कि किसी तरह घबराए नहीं, अपने घर पे रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आइए हमारे को ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ नारी कलेक्शन को विजिट कीजिए, नारी द क्लोथिंग पैलेस।